बरसात में सब लोग चिड़िया के घर नहीं उजाड़ता है, अब किसी का व्यवसाय उजाड़े जा रहे हैं। भूअर्जन को भी आवेदन दिया गया है, NHI को आवेदन दिया गया है, CO को आवेदन दिया गया है, SDO को आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। स्थिति जैसे था वैसे ही रह गया, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आज स्थिति आ गया है जो हम लोग रोड पर, हम लोग को रोड पर ला दिया गया, मकान को तोड़ करके, व्यापार को तहस नहस करके। ये स्थिति बुरा है जो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। राजधानी रांची के रातू रोड में बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड यानी फ्लाईओवर का काम NHAI के द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में पिस्का मोड़ से आगे रोड के दोनों तरफ से भूमि अधिग्रहण का काम भी शुरू हो गया है और प्रशासन द्वारा भवन मालिकों को अपने भवन का स्वतः ध्वस्त करने का आदेश दे दिया गया है। इसी कड़ी में हमारी टीम की बात हुई उन भवन मालिकों से जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य के लिए पहली बार भवन मालिकों का दर्द उभर कर आया। क्या कहना है भवन मालिकों का इस अधिग्रहण के बारे में, देखिए हमारे संवाददाता निदिस की ये रिपोर्ट। से हम बात करेंगे, क्या ये जो बिल्डिंग टूटी है, इनका भी बिल्डिंग टूटा है, तो इनसे हम बात करेंगे। आप ये इनसे खुश भी है या नहीं है, या इससे नाराज है? तो चलिए, केलांचल टाइम्स में आपको स्वागत है। पहले तो धन्यवाद देते हैं कोलंचन टाइम्स वाले को, जो कम से कम अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोग के लिए, जो इटकी रोड के जितने भी व्यवसायी हैं या इटकी रोड के जो लोग निवासी हैं, उन लोग के लिए कुछ अपना समय निकाले और अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे पास आए, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इसलिए भी दे रहे हैं जो ये जो टूटा फूटा जो दृश्य जो दिखा है सबों को, आम जनता को, जिससे आम जनता निश्चित रूप से प्रभावित होगी, ये बोल करके जो हम लोग का जो संरचना को तोड़ फोड़ दिया गया सरकार के द्वारा, सरकार के नीति के द्वारा, हम लोग को जो बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे व्यापारी लोग बैठते हैं, बहुत सारे लोग अपना अपना व्यापार करते हैं, लेकिन उन लोग का सारा व्यापार लोग अस्त व्यस्त हो गया। आज की स्थिति ये है, जो यहाँ तोड़ने के लिए कल आए थे, पूरे झूम प्रशासन के आदमी झुंड लेकर के बोले जी आप लोग कल बृहस्पतिवार को 11 बजे तक आप लोगों को टाइम दिया था, तोड़ दीजिए, अन्यथा जो है हम लोग पूरा ध्वस्त कर देंगे, चाहे जितना तल्ला बिल्डिंग हो हम लोग ध्वस्त कर देंगे। तो हम लोगों ने डिमांड किया, भाई हम लोग को मुआवजा नहीं मिला है, सरकारी दर के आधार पर मुआवजा नहीं मिला है, हम लोग किस आधार पर? तो जो मिला है कि नहीं मिला वो बात की बात है। अच्छा। आप लोग को कुछ सुनवाई नहीं होगा, तोड़ दिया जाएगा, 11 बजे तक आप लोग अपना अपना जगह को खाली कर लीजिए, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। इसके लेकर के संरचना का जो मूल्य जो है सो, प्लस जो जमीन का जो मुआवजा है सो, उसको जो सरकारी दर जो है सरकार द्वारा निर्धारित है, उसको हम लोगों ने डिमांड किया। इसके लेकर के हम लोगों ने 120 बार आवेदन दिया, DC साहब को भी आवेदन दिया गया है, आपका विधायक जी को भी आवेदन दिया गया है, उसके बाद फिर आपका जो सांसद महोदय है उनको भी आवेदन दिया गया है, भूअर्जन को भी आवेदन दिया गया है, NHAI को आवेदन दिया गया है, CO को आवेदन दिया गया है, SDO को आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। स्थिति जैसे था वैसे ही रह गया, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आज स्थिति आ गया है जो हम लोग रोड पर, हम लोग को रोड पर ला दिया गया, मकान को तोड़ करके, व्यापार को तहस नहस करके। ये स्थिति बुरा है जो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, अब इससे ज़्यादा बोलने का हिम्मत ही नहीं है। मतलब आप प्रशासन से लेकर के नेता तक, मतलब सबों को ये चीज़ जानकारी के, लेकिन इसमें कोई भी बात नहीं हो रही, कोई किन्हीं के माध्यम से कोई सपोर्ट नहीं मिला, आज तक सपोर्ट नहीं मिला। सब लोगों ने आश्वासन जरूर दिया, अच्छा ठीक है आप लोगों को मुआवजा मिलेगा, कोई दिक्कत बात नहीं है, सरकार द्वारा निर्धारित जो दर है उसके आधार पर ही आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं मिला। हम लोग आज जो है ऊपर में बच्चे लोग पढ़ते थे, लाइब्रेरी था, आज बच्चे लोग जो है पढ़ना उन लोगों को दुश्वार हो गया, आज स्थिति हो गया, वो लोग जिधर जिधर भटकने लगे, जहाँ तहाँ जगह खोजने लगे बच्चे लोग पढ़ने के लिए, उन लोग का एग्जाम है, उन लोग का जिंदगी का सवाल है, करियर का सवाल है, आज 2 महीना बाद उन लोग का
एग्जाम होने वाला है और ये स्थिति बुरा है, जो सब बच्चे लोग नाराज हो गए जब अंकल क्या हो गया, ऐसे में हम लोग कैसे जिंदगी जी पाएंगे, हम लोग का तो करियर ही खत्म हो जाएगा, 2 महीना बाद एग्जाम है, वो लोग भटकने लगे, यही स्थिति बुरा है। तो बात हो गया यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इस यहाँ पे कुछ ऐसा भी मकान होगा जहाँ पे फैमिली वाले भी रहते होंगे, तो फैमिली वाले रहते ही हैं, आगे देखिएगा गुप्ता वाले हैं उनका बच्चे लोग रहते हैं, सरदार जी हैं उनका बच्चे लोग रहते हैं, पीछे जो बच्चे लोग सब रहते हैं, बहुत सारे फैमिली वाले हैं, सबों का फैमिली को परेशानी हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, जो हम लोग आज करें तो क्या करें। सरकार का हम जो नीति जो है फ्लाईओवर बनाने का, उसका भी स्वागत करते हैं। अच्छा। जो जाम जो लग रहा था उसका भी स्वागत करते हैं, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग का जो व्यापार जो नुकसान हुआ, व्यापार नुकसान हुआ उसके बारे में सरकार कहाँ सोची, कुछ भी नहीं सोची। लेकिन ये तो बात हो गया आपका, लेकिन इससे जैसे ये रोड में तो काफ़ी ट्रैफिक लगती थी, तो हमको लगता है फ्लाईओवर बन जाने के बाद मतलब वो ग्रामीणों को बहुत अच्छा सुविधा होगा, लेकिन हाँ आप लोग के हित के लिए देखें तो आप लोग को कोई भी मुआवजा देने का कोई बात हो नहीं रही है। नहीं, अभी तक कुछ भी मुआवजा का कोई मिलने का आशा ही नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि मान लीजिए कुछ ऐसे भी है यहाँ पे जो पूरा फैमिली वाले रहते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ लाइब्रेरी चल रहा है, स्टूडेंट रहते हैं, तो आपके दुकान है, टायर का दुकान है, अपना व्यापार है, यही मेरा रोजी रोटी है। तो ये सही बात है, ठीक है, तो यही चीज़ हमको जानना था। ठीक है, इनसे भी ले लीजिए हमारे। चलिए, यहाँ पे और भी कुछ जन बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि ये क्या ये खुश है फ्लाईओवर से बनने से या फिर नाराज हैं, इनका भी कुछ इससे इसमें नुकसान हुआ है क्या। चलिए हम इनसे बात करते हैं। चलिए, स्वागत है आपको कैलांचल टाइम्स में, क्या आप इससे खुश हैं या नाराज हैं? देखिए, ये जो तुगलकी फरमान है सरकार का, ये सरासर गलत है। किसी भी आदमी को घर तोड़ लीजिए, उसका रोजी रोटी छीन लीजिए और उसको बिना मुआवजा दिए, पहले उसके ज़मीन का, मकान का, घर का, रोजी रोटी इसी से चल रहा है ना, उसको मुआवजा नहीं मिला, उस आदमी का घर तोड़ा जा रहा है। हमने इस सरकार को इसके पहले भी अवगत कराया कि अभी बरसात का समय है, बरसात में आप किसी को बेघर मत कीजिए, हर लोग का दाल रोटी उसके रोजगार से चलता है, और उसका दाल रोटी आप बरसात में छोड़ेंगे वो कहाँ जाएगा, उसको 2 महीने 4 महीने। हमने बोला कि आप दिवाली के बाद अपना काम लगाइए और काम कीजिए, लोग नहीं मान रहे, तुगलक की फरमान जैसा जारी है 24 घंटा में खाली कर दो। अरे भाई, जो बरसों से बसा हुआ है, जिसका दाल रोटी चलो 24 घंटे में कैसे हटा देगा, और दूसरी बात, जिनको आप मुआवजा नहीं दिए उनका घर तोड़ने का आपका क्या आप उम्मीद करते हैं कि उसका भी घर तोड़ दे? आप उसको पहले मुआवजा दे, उचित मुआवजा मिल जाए, उसके बाद उसके आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको लिमिट टाइम दिया गया है 2 महीना 4 महीना। बरसात में तोड़ने का मेरे समझ से कोई औचित्य नहीं है। हमने इसका घोर विरोध किया, अभी भी कर रहा हूँ, सारे संगठन के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हम लोग चेंबर ऑफ कॉमर्स से हैं, उसका भी डीसी साहब को हमने लेटर भेजवाया कि इसमें अभी अविलंब रोक लगना चाहिए और बरसात के बाद आप काम लगाइए, जिनका मुआवजा बाकी है उनको आप मुआवजा दीजिए, अन्यथा तुगलकी फरमान अगर करेंगे तो हम लोग रोड जाम कर देंगे, हम लोग भी रोड पर खड़े हो जाएंगे, अब चलाइए गोली, देखते हैं कितनी गोली है, हमारा घर छीनिएगा और गोली चला लीजिएगा, हमारा रोजगार छीन रहे हैं, हमसे पूछ नहीं रहे, बोलते 24 घंटा में तोड़ देंगे, 24 घंटा में तो तुगलकी फरमान न हो गया, एक तानाशाही नहीं चलेगा। ऐसा मतलब नहीं बोलना चाहिए, आप 24 घंटे काम कर रहे हो, आप विकास की काम करो, मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन पब्लिक को सुविधा देते हुए करो, किसी को बेघर करके नहीं, रोड पर ला के नहीं कर सकते हो। बरसात में सब लोग चिड़िया के घर नहीं उजाड़ता है, अब किसी का व्यवसाय उजाड़े जा रहे हो। देखिए, बात तो सही है, आप जैसे बोले दीपावली के बाद करे अभी करे, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ ऐसे भी आदमी है, आप अपना विकास का काम कर रहे हैं उससे कीजिए, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, लेकिन हमको जनता को भी देखना चाहिए कि उसको क्या सुविधा हो रहा है। हाँ, यदि किन्हीं का घर टूट रहा है, यहाँ बहुत सारे ऐसे रेंटर लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को ध्यान देते हुए और इसमें काम करना चाहिए। बात तो आपकी सहमत है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।